है, ब्लैक सही लग रहा है या फिर व्हाइट सही लग रहा है? पता ना ये वो मासू बात में पिक गए। So hello, what is up everyone? It's me, Lux Rider, back again with a new video. तो कैसे हैं आप सब guys? होपर सब तो fit and fine होंगे। तो आ गया guys फिर से new video लेके। तो ये क्या देखने को मेरे को मिल रहा है यार, ऊपर से मैं चलते चलते आ रहा था तो मेरे को पूरा बारिश मिला वहाँ पे। एंड मतलब भीगा नहीं, मैं रुक गया था, मैं था बजाज के शोरूम पे। एंड बजाज के शोरूम पे थोड़ा मेरे को काम था, मैं वहाँ गया हुआ था। एंड सौगत ब्रदर भी मेरे साथ ही थे, सौगत ब्रदर अब भी जस्ट मेरे से अलग हुए एंड वो गए अपने क्लब में, सब लोग वहीं पे रहते हैं तो सौगत ब्रदर भी वहाँ पे चले गए। एंड अब मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड से मिलने, जो कि यार 6-7 साल बाद आया यहाँ पे, तो उससे मिलने जा रहा हूँ। उसने फोन किया कि भाई मैं आया हुआ हूँ तो मिलते हैं। ये दृश्य सिर्फ यहीं पे देखने को मिलता है अपने को, नेपाल में पोखरा में। यहाँ पे धूप निकल रही है एंड ऊपर लिटरली मैं बताऊँ ना, इतनी हैवी रेनफॉल हो रही थी, बहुत तगड़ी बारिश, मतलब घनी तगड़ी। अभी तो मेरे को जाना है आई हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पोखरा का जो आई हॉस्पिटल है वहाँ पे, वो बंदा वहीं पे रहता है। एंड वो सुबह से लेके शाम तक अब तक मतलब वो शॉपिंग कर रहा था भाटभटेनी में। एंड अभी देखो गाड़ी कितनी भीगी हुई है, तो इससे पता लगा सकते हैं हम लोग, गाड़ी पूरी भीगी हुई है, पूरा पानी पानी हो रखी है। मेरी बाइक खुद भीग रही है, आप देखो मतलब पूरी टैंकी में पानी एंड सीट पूरा भीगा हुआ है इसका। तो अभी हमारा प्लान हो रहा है एक छोटा सा मीटअप करेंगे, मतलब उसके साथ बंदे के साथ। ये हमारा यहाँ का पोखरा का डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल अब बन रहा है वहाँ पे दूसरी जगह पे, जहाँ पे सौगत ब्रदर का घर है। अभी फिलहाल दिखाऊँ आपको आगे का वेदर, तो आप पहाड़ पे देख सकते हो और ये जहाज उड़ रहा है यहाँ से। अभी अभी फ्लाइट उड़ी है तो शायद दिख रहा होगा, शायद नहीं भी दिख रहा होगा। तो गाइस ये देख लो आप यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पोखरा का डोमेस्टिक एयरपोर्ट। एंड एयरपोर्ट के पीछे मेरे को जाना है, एयरपोर्ट के पीछे जाके फिर उधर से थोड़ा और आगे जाके उसका मेरे फ्रेंड का घर आ जाएगा। तो ये बंदा इंडिया चला गया था एंड लाइक ना बात ना मुलाकात कुछ भी नहीं होती थी, मतलब कभी कभी स्टोरी देख लेता था, मतलब फ्रेंड थे हम लोग ने फॉलो कर रखा था एक दूसरे को, मैं स्टोरी देख लेता वो मेरी स्टोरी देख लेता था। एंड होप सो कि मेरी वीडियो भी देखता होगा वो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस आज ये है नेक्स्ट डे। वो कल मिला था मैं अपने फ्रेंड को, तो कल हम लोगों ने पार्टी वार्टी करी, हम यहाँ मैं लेक साइड लेके आ गया था बंदे को एंड हमने थोड़ा खाया पिया वहाँ पे जाके बाहर। मेरा जो है ना पार्सल आया है काठमांडू से एंड ये पार्सल आया हुआ है काठमांडू से, तो अब मैं कर रहा हूँ उसकी अनरैपिंग, देखते हैं इसके अंदर है क्या। तो बहुत अच्छी तरह से पैक कर रखा है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, दिल गुलाबी दिल, समझ रहे हो, गुलाबी दिल दिया जा रहा है अपने को। तो सबसे पहले अपने पास आ गया BMW का स्टिकर, ये मेरे को मिला है कॉम्प्लीमेंट्री, थैंक यू ब्रदर, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो जिसने ये प्रिंट किया है, तो उन्होंने मेरे को दिया कॉम्प्लीमेंट्री ये फ्री में। एंड मेरे स्टिकर्स प्रिंट हो चुके हैं गाइज फाइनली, ऐसा तो थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं बकचोदी कर रहा हूँ खाली और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये मेरे स्टिकर प्रिंट हो के आए हैं गाइज, ये मैंने करवाए वाटरप्रूफ स्टिकर प्रिंट एंड ये मेरे को बहुत ज़रूरी थे यार, बहुत ज़्यादा चाहिए थे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अपने बाइक्स पे लगाऊं या अपने मोबाइल पे या कहीं पे लगाऊं, तो इसीलिए मैं बहुत ढूंढ रहा था कि कहाँ पे ये प्रिंट होंगे एंड मैं करवाऊं इसको प्रिंट। तो ये मैंने करवाया काठमांडू से, तो काठमांडू में मेरे को ऑनलाइन में मिल गए थे, एडवर्टाइजमेंट देखा मैंने तो उसमें मैंने ऑनलाइन प्रिंट करवाया, उनसे एक गलती हो गई, बट वो गलती नहीं है, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो मैंने क्या जब ऑर्डर किया था मैंने, तो उनको बोला था कि मेरे को 8 कॉपी व्हाइट कलर की चाहिए एंड मेरे को एक कॉपी मतलब 2 कॉपी चाहिए ब्लैक कलर की। उन्होंने क्या किया, 8 कॉपी ब्लैक कलर की कर दी एंड 2 कॉपी व्हाइट कलर की कर दी। आप डिफरेंस देख के बताओ कौन सा सही लग रहा है, ब्लैक सही लग रहा है या फिर व्हाइट सही लग रहा है? मेरे को तो यार व्हाइट सही लग रहा है, थोड़ा वैसे बॉर्डर थोड़ा मोटा है बट ठीक है, सही बना है, वैसे प्लास्टिक का है, बिल्कुल फटने वटने का कोई डर नहीं है। तो इसको मैं अपनी गोरी पे भी लगाने वाला हूँ, एक्चुअल में ये गोरी है मेरी, आप देख सकते हो, इसमें मैंने 300 का प्रिंट करवाया एंड इसमें मैंने अपना लोगो जो फेसबुक इंस्टा यूट्यूब एंड सब्सक्रिप्शन का मैंने वो लगवाया एंड लक्स राइडर अपने चैनल का नाम, आप सबके लिए मैं ये प्रिंट करवाने वाला हूँ, मतलब जो भी मेरे व्यूअर्स एंड जो भी मेरे खास है ना, मैं सबको ये देने वाला हूँ। तो जिस जिसको चाहिए डायरेक्टली कमेंट करें, मैं उनको अभी देने के लिए रेडी हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ 10 कॉपी है, अगर मेरे पास कमी हो जाएगी तो मैं प्रिंट करवा के मैं आपको दे दूंगा। तो बताना अगर आपको चाहिए तो मैं बिल्कुल देने को तैयार हूँ। तो ये कुछ थी मेरी स्टिकरिंग की अनरैपिंग, मैं सोच रहा हूँ कि सौगत ब्रदर के घर जाऊँ, मुझे थोड़ा काम भी था, उनसे बातें भी करनी थी। तो सौगत ब्रदर भी क्या कर रहे हैं मैं वो भी दिखाता हूँ आप सबको।
तो चलिए उनके घर जाते हैं एंड फिर मिलते हैं आपको वहाँ पे। तो अभी मैं थोड़ा बाइक पे बातें करते करते चलेंगे ना आराम से, तो चलिए चलते गाइस। आ गया आपका लक्स राइडर अपनी धनों पे। तो धनों पे नजर गई तो मैंने ये देखा कि पेट्रोल बिल्कुल है खाली, तो अभी भरवाना जरूरी है, तो इसलिए मैं ऊपर वाले रास्ते से आ गया। मैं वैसे दूसरे रास्ते से जाता, पीछे वाले रास्ते से जाता, वो थोड़ा ऑफ रोड है बट वो छोटा पड़ता है एंड ये वाला लंबा पड़ता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, लंबा पड़ेगा पड़ जाएगा बट पेट्रोल डलवाना जरूरी है, कहीं रास्ते में बंद हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बारिश का हो रहा है, वेदर आप देख सकते हो मतलब बिल्कुल काला काला हो रखा है मौसम। एंड ये अब मतलब यहाँ पे सीजन ऐसा शुरू हो गया है कि दिन में गर्मी रहेगी एंड शाम को बरसात। तो गाइस पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं, 500 का लेता अली गति 11 रन ही कर देने था आजकल तो पेट्रोल तो 154.75 ऑलमोस्ट 155 है गाइस पेट्रोल। थैंक यू दाई, मतलब 500 रुपए का तेल डलवाया ना देखो यार, एक डब्बी बस ऊपर उठी है, दो डब्बी उठी है अभी। अरे भाई ये क्या देखने को मिल रहा है यार दुनिया में, मतलब 155 रुपए का तेल हो गया एंड 500 रुपए में एक मिनट को घर भी नहीं करता वो पेट्रोल का, वो जो होता है ना भूत। चलो तीन डब्बे हो गए, अभी एक डब्बा और उठ गया ऊपर। अरे यार पेट्रोल की इतनी बड़ी दुविधा है ना, इतनी बड़ी समस्या है। बच गया। क्लोज कॉल। तो पेट्रोल की मैं बता रहा हूँ यार, इतनी बड़ी दुविधा, इतना मतलब खतरनाक समस्या है ना ये, इतना पेट्रोल का प्राइस इतना हाइक हो गया है, इतना ऊपर रेज हो गया है, क्या ही बताया यार। हम जैसे गरीबों के लिए यार थोड़ा रहम करो यार, सरकार थोड़ा दया करो हमको यार। पहले सौगत ब्रदर के घर पहुँचते हैं एंड फिर आपको मैं वहीं पर मिलता हूँ। तो बातें तो होती रहेंगी एंड ये सब तो होता ही रहेगा, यहाँ पर क्या करें, पेट्रोल का प्राइस इतना हो गया है तो हो ही गया, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, बोलेंगे भी तो क्या। तो चलिए चलते हैं अपन लोग, एंड ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है ना बस क्या ही बताऊँ, पानी पड़ना बिल्कुल शुरू हो गया है। तो अभी मेरे को रुकना पड़ेगा, GoPro निकाल के बैग में रखना पड़ेगा क्योंकि रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का है भाई, अपने को बिल्कुल नहीं रिस्क लेने का है। पेट्रोल डाल के जो मक्खन हो जाती है ना है, बस क्या ही बताएं। पेट्रोल ये चीज़ मैंने देखी है हर बाइक में, लाइक मैंने 300 में भी देखी है, पेट्रोल जब कम होता है ना बाइक में, मतलब ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाए, तो कम हो जाए ना जब भी बाइक में थोड़ा सा ना वो वाइब्रेशन फील होती है एंड लाइक बारिश तेज हो गई यार। चलो मैं निकाल के इसको बैग में रख ही देता हूँ। सो गाइस तो आपका लक्स राइडर आ चुका है यहाँ पे एंड बैठा हुआ है भीगा भागा सा। तो बारिश हो गई थी बहुत खतरनाक बाहर पे एंड ये टोपी मेरे को यहाँ पे मिल गई ब्रदर के घर पे। तो सौगात ब्रदर ये यहाँ पे बैठे हैं। हेलो एवरीवन। तो ब्रदर को जो मैं दिखाने लाया था वो मैंने अब तक बताया ही नहीं है, ये सच में सस्पेंस है, क्या मैंने बताया ही नहीं है अब तक, सरप्राइज समथिंग कुछ ऐसा ही है। तो पहला ये देख लो आप, मैं ब्लॉग में बता के आया था बट खो गया, खोलो क्या है इसके अंदर, निकालो आप पता लग जाएगा आपको। इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं बताया ही नहीं ना इसीलिए। जब से आया हूँ ना मैं भीगा हुआ बैठा हूँ यहाँ पे एंड बिल्कुल मेरे पैंट और ये पूरा भीग गया अंदर से। ओ, ये हमारे बॉक्स पैक स्टिकर है, स्टिकर आ गया ब्रदर, स्टिकर आ गया। सो ये मेरा लिए ले लो। सो कितने है इधर, इसमें तो 10 पीस मैंने मंगाए थे, 10 ही हैं अभी। तो हम एक तो मैं लगाऊंगा, एक तो लगाना ही पड़ेगा आपको। बहुत अच्छा है ये स्टिकर, मैंने काठमांडू से मंगाया था, हाँ, मैंने बताया था बारे में तो बात हुआ था, पर आज ऐसे आएंगे स्टिकर और ऐसे क्या बोलते हैं इसको, लिफाफा में लेकर सरप्राइज देंगे मुझे, ये तो पता नहीं था। तो गाइस क्वालिटी बहुत अच्छा है यार, सही है ना क्वालिटी, मैं यही दिखाने आया आपको यार, क्वालिटी कैसा है इसका, क्वालिटी पता करके बताते बोल के मैं इसीलिए व्लॉग में ही बोल के आया, वहाँ पे ही मैं दुकान में भी व्लॉग कर रहा था। मेरा क्या था ना, मेरा फ्रेंड आया हुआ एक, तो मैं उससे मिलने गया था, मैंने बताया था आपको, वो चेक किया था, 6 साल बाद आया है यहाँ पे नेपाल में, वो इंडिया से आया है, इंडिया से आया, वो कोलकाता गया हुआ था, मेरे साथ पढ़ता था पहले, तो अब वो आया, मिला मैं उसके साथ, तो वहीं पे मेरा टाइम पास हो रहा था। तो ये मेरे को कल मिला, वैसे तो कल मैंने रिसीव किया ये जाके, बट मैंने खोला नहीं था, मैंने भी बिल्कुल अभी आज ही खोला है दुकान पे, मैंने इसका हाँ बस ये अनरैप किया एंड मैंने अपने व्यूअर्स लोग को दिखाया, गाइस को दिखाया। इसका क्वालिटी बहुत मस्त है यार, जबरदस्त है, प्रीमियम क्वालिटी बना रखा है, एक तो वाटरप्रूफ सबसे बेस्ट है बाइक में लगाने के लिए, वाटरप्रूफ है टोटली, या आप देख लो ना पूरा प्लास्टिक मेड जैसा है, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर किया था, पड़ा है 40 रुपीज पर पीस पड़ा, 40 रुपीज पर है तो महंगा, बट मुझे क्वालिटी देखना था, बहुत उड़ती थी। हाँ
इसमें क्या था ना, मेरे को लाइक सिर्फ 10 मिनिमम क्वांटिटी था, तो उससे मैं नीचे नहीं कर पाता था, तो इसीलिए मैंने ये किया, मैंने कहा 10 ही आप प्रिंट करके देख लो पहले। और इसमें भी गलती किया मैंने, बोला सबको इसमें मेरे को 8 व्हाइट और 2 ब्लैक करवाने थे, उसने 8 ब्लैक 2 व्हाइट कर दिए इसमें। वो उल्टा होता है, अब देख लो। नहीं कुछ बात नहीं, अब लाइक हमारे जो ट्रिप होने वाला है ना, हाँ उसके आगे मैं भी बनाऊंगा, हाँ हाँ, और आपको भी बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग हमको हम मिलेंगे उधर, सबको देने के लिए। हाँ बांटेंगे। तो गाइज ये है हमारा, है ना, अभी मैंने नहीं उनको, उसको मैंने बोल दिया जिससे मैंने बनवाया है, तो उसको मैंने बोल रखा है कि भाई मेरे को 1000 से लेके ज्यादा तक, मतलब 2 या 3 हजार मेरे को प्रिंट करवाने हैं, 1000 मेरा 1000 आपका। तो ये आप देख लो, यहाँ पे अपन लोग राइड का बिल्कुल बिल्कुल प्लान कर रहे हैं ना। अभी ज्यादा दिन, ज्यादा टाइम नहीं है, अब जल्दी आने वाले अपन लोग, वो नहीं बताएंगे अपन लोग कहाँ आ रहे हैं। तो नहीं बताएंगे, पर हमारा राइड का दिन लाइक इट्स टू क्लोज, बहुत बहुत क्लोज है अब। उसके ही प्लानिंग चल रहा है यार, वही प्लानिंग चल रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया ब्रदर को डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो डिस्टर्ब नहीं है यार, आप ही के घर है, हम एक फैमिली है। सो तो बोल के मुझे वो शर्मिंदा मत करो भाई। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये तो एक भाईचारा है, मजाक करते रहते हैं हम भी, है ना, शर्मिंदा होने वाली भी बात नहीं है। सबसे बड़ा बात क्या है कि मैंने लक्ष भाई का संगत करने जब से स्टार्ट किया, उस वहाँ से तो मेरा हिंदी बहुत सुधर गया। अरे अभी तो थैंक यू बनता है, अभी तो भारतीय नागरिक बना देंगे आपको, आपका आधार कार्ड छपवाना बाकी है अभी तो। पासपोर्ट चेंज नहीं होगा, नागरिकता चेंज नहीं होगा, नहीं वो चेंज नहीं होगा, बोली चेंज हो जाएगी, वो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। आई रिस्पेक्ट इंडिया, अब मे बी देखेंगे आगे क्या होगा, क्या होगा, अभी अभी कोई प्लान नहीं है, अभी देखते हैं। अभी पहले अपने को ये वाला रोड ट्रिप खत्म करने का है ना, अगर ये रोड ट्रिप सक्सेसफुल हो गया ना गाइज, तो लद्दाख और केदारनाथ वो तो मेरा ड्रीम है, मनाली भी, लद्दाख, लद्दाख भी अपन लोग साथ ही जाएंगे। एंड इंडिया में तो पता नहीं कौन सी जगह अपने को जाना है अभी फिलहाल, अभी तो लाइफ शुरू हुई है। असली लाइफ तो अब शुरू हुई है। तो गाइज यही कुछ अपना यहाँ पे फन हो रहा है। थैंक यू सो मच लक्स भाई फॉर दिस वंडरफुल स्टिकर। ये अभी कुछ बन रहा है हमारे लिए, तो आप थोड़ा उसका भी सीन एंजॉय करो, अपन लोग फन करते हैं। मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, मैं भूखा आया हूँ वहाँ से, लेक साइड से। इधर इधर पूरा खिला पिला के मोटा बना के। हाँ बिल्कुल, मेरे को फैटी चिकन बना के भेजने का है ब्रदर को, है ना, तो घर वाले पहचाने ही ना। सो गाइज थोड़ी इंतजार के बाद ये आप देखो, हाँ तो ये यहाँ का ब्रदर बहुत मस्त है। तो हम भी टेस्ट करते हैं यार, एक एक स्पून चीज तो बहुत मस्त है। शुरू वाले बाइट में मिर्ची आ गई, इसीलिए थोड़ा फूफू करना पड़ रहा है। तो ब्रदर कैसा है? बहुत अच्छा है। आपको तो आदत हो रही होगी, आपको डेली आपको तो आदत हो रही होगी टेस्ट का। ये देख लो, मैं जोकर बन के बैठा हूँ, तो इसको उतार ही देते हैं। ये हमारे दीप ब्रदर की थी, मतलब दीप ब्रदर की कैसे थी, दीप दाई का बर्थडे था, हमारे ग्रुप में है वो, तो मीम फैक्ट्री मैंने एक वीडियो में बताई थी, तो वही उन्हीं का बर्थडे था, तो उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन हमारे ब्रदर के चैनल पे, जल्दी जल्दी जाओ देखो, सब्सक्राइब करो, अभी 100K नियर बाय 100K हैं, जल्दी जल्दी 100K होना चाहिए। बहुत धूम पार्टी करने वाले हम लोग, बहुत धूम पार्टी। आपका डायलॉग है ना वो, किसी ने सोची ना होगी, बोल दो एक बार, पार्टी करेंगे आप बोल दो एक बार, वो किसी ने सोची ना होगी, था भाई जोगिंदर वाला। हमारे 100K में हम ऐसे पार्टी करेंगे साला किसी ने सोची ना होगी, थारा भाई जोगिंदर सीना सोची ना होगी, तो किसी ने नहीं सोची होगी, सही में बहुत धमाका करेंगे हम लोग। 100K जल्दी जल्दी भैया का हो जाए, मेरा तो 10K पे अभी कांटा अटका हुआ है कि जल्दी जल्दी 10K हो जाए, है ना। तो सब्सक्राइब करो, अगर आप न्यू हो चैनल पे लाइक करो, शेयर करो, है ना, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना, एंड कमेंट करो, आगे सजेशन दो मुझे, ऐसी ऐसी वीडियो बननी चाहिए आगे। अभी मैं यहाँ से ये खा रहा हूँ, एंड अभी निकलूँगा मैं थोड़ी देर में, तो मैं आपको बाइक पे मिलूँगा, बाइक पे एंड करेंगे वीडियो को, तो एंजॉय गाइस। क्या बोले तू, ए माले की कागज से बोल बोल अभी तक क्या बोल रहा है वो, क्या कांग्रेस रे तू मुझे ध्यान से देखिए, इस औरत को हमारे भैया को डरा धमका के मारा पीटा जा रहा है। मार दूंगा बोला जा रहा है, क्या कांग्रेस या एमएलए, कौन सा एमएलए बोला जा रहा है कि एमएलए को सपोर्ट किया जाए, भैया पे दबाव बनाया जा रहा है, 100 नंबर पे फोन करें।
और मुझे सिक्योरिटी चाहिए। आप सिक्योरिटी चाहिए हमारे भैया को, सिक्योरिटी चाहिए। क्या बोला? सिक्योरिटी, मेरा जान का खतरा है। ये लोग खाने में विष मिला के दे दिए तो हम क्या करें? जहर मिला के, खाने में कुछ भी मिला हुआ हो सकता है। सावधान रहे, सतर्क रहे। टीनेज में मर जाएंगे, क्या करेंगे? लड़ाई बच गई, लड़ाई बच गई। नेता का नाम पता नहीं है इसको। और इधर आके बोल रही है एमाले। नाम नहीं पता और सिर्फ एमाले का लीडर का नाम बता दो, इतना काफी है। समझा देना। हाँ, ऐसे जनता है इसलिए हमारा देश पीछा होता जा रहा है। हाँ, जिसके लीडर का नाम पता नहीं है वो मासू भात में बिक गए। और वोट डालता है ये पेट्रोल में बिक गया, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, नहीं पांच से बिक गया वो वोट नहीं डालता है। कांग्रेस मुझे बोलो, कांग्रेस का नेता का 10 नेता का नाम बोल दूंगा। द नेक्स्ट डे तो गाइज आए थे अकेले, जा रहे हैं हम लोग 3 जने। तो सौगत ब्रदर भी, इनको काम था थोड़ा तो वो भी निकल गए, वो आगे जा रहे हैं स्कूटी पे, एंड मैं भी निकल गया। ठंड हो रखी है, एक तो मैं पहले भीग गया वहाँ से आते टाइम पे, एंड अब जाते टाइम पे बहुत ज़्यादा हवा लग रही है छाती पे, बिल्कुल ना छाती चीर के पीछे से हवा निकल रही है। पीछे से मतलब वहाँ पीछे से नहीं। कैसी छाती चीर के एकदम बिल्कुल हवा पास हो रही है। सौगत ब्रदर वो अपनी स्कूटी पे जा रहे हैं, उनकी बाइक उनके घर पे खड़ी है तो वो स्कूटी यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि यार ये स्कूटी जो होती है ना चीज़ ही अलग होती है। इसमें मतलब माइलेज वाइलेज एंड कंफर्ट हर चीज़ मिल जाता है। ये गया। हाँ भाई, कैसी लगी? आ जाओ आप, पार्टी चेंज कर लो, पार्टी बदल लो। आप पार्टी बदल लो, उनको छोड़ दो यहीं पे। भाभी को लेके जा रहा हूँ, अब दूंगा नहीं मैं वापिस। और खुश हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, देखो मजा आ रहा है उनको। भाभी से मतलब छुटकारा मिल गया उनको। हम लेक साइड चलेंगे, उनको जाने दो जहाँ जा रहे हैं। हम बबल टी खाएंगे लेक साइड जाके, बिल्कुल फ्रीली जा रहे हैं सौगत ब्रदर। अब मेरे को तो आगे से अलग होना पड़ेगा, मैं जाऊँगा लेक साइड की तरफ, ब्रदर जाएंगे ऊपर की तरफ, तो फिर से भाभी को हमको फिर से देना पड़ेगा। फिर से पास करना पड़ेगा उन्हीं को, तो वो वापस लेके जाएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इनको दिक्कत ना हो जाए आगे जाते टाइम पे। अब देखेंगे क्या होगा ब्रदर के साथ। तो फिलहाल तो मैं अभी घर के लिए निकल गया हूँ, एंड सौगत ब्रदर के साथ बहुत मस्ती की अपन लोग ने। एमएलए वो क्या बोलते हैं उसको, वो गवर्नमेंट खेला हमने घर पे। तो मतलब मैं बोर हो रहा था अपने शॉप पे बैठ के, एंड शॉप किया बंद, एंड मैं इधर आ गया क्योंकि बारिश हो गई थी। बारिश में वो कौन आएगा, तो इसीलिए मैंने क्लोज किया और इधर आ गया मैं। तो थोड़ा ब्रदर के साथ वीडियो भी बन गई, एंड ब्रदर को वो स्टिकर भी मैंने दिखा दिया, एंड थोड़ी बातें भी हो गई हमारी ट्रिप के बारे में। तो ट्रिप हमारा और ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। कंफर्म तो मेरा पहले से ही था, बट ऑलमोस्ट मतलब हम प्रोसेस में आ चुके हैं ट्रिप के, तो हमारा ट्रिप का प्रोसेस शुरू हो चुका है। वेदर हो गया है ठंडा, एंड सिर में हो रखा है बहुत ही ज़्यादा दर्द मेरे, क्योंकि वेदर कोई मेरे को सूट नहीं करता। बदला बाय 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 बाय। तो गाइज अपन निकल चुके अपने रास्ते, तो वेदर को थोड़ा काम है, एंड बारिश फिर से शुरू हो गई, बूंदाबांदी हो रही है थोड़ी बहुत, एंड धूप दिखने लग गया। तो ब्रदर ऊपर की तरफ जाएंगे बोल रहे, राइट साइड से वो लोग वहाँ क्लब हाउस तक चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल जाओ, तो मैं निकल चुका हूँ, एंड बारिश हो रही है तो मैं आगे जाके ब्लॉक करूँगा। तो गाइज आगे मिलता हूँ आपसे अगर बारिश रुकती है तो। सो गाइज मैं आ गया था शॉप पे अपने, बारिश बहुत ज़्यादा तगड़ी हो गई थी, एंड अभी आपका भाई सुन रहा है गाने। टाइम बताऊं तो टाइम हो चुका है 9:30, मतलब ये रात के हैं, रात के 9:30 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। तो अब मेरे को करनी है अपनी शॉप बंद, तो शॉप बंद करके मैं जाऊंगा घर। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक रहेगी गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।